Hey guys, Kitan ji, this is your MNV. Welcome back to my channel. I just got done with my breakfast and diet day 2 going strong. अभी तक तो ठीक चल रहा है. दो दिन में मैंने कल से कुछ गलत नहीं खाया. इनफैक्ट मेरे आसपास सारे खा रहे थे. उन्नति ने भी कल ऑर्डर किया ऑफ कोर्स, बट मैंने नहीं खाया. गुड बॉय MNV. एंड यस, बहुत ही प्यारी सी एडिशन हुई है रूम में. अमेजोन का पैकेज आया था एंड रोज कुछ ना कुछ होता रहेगा यार. मतलब छोटी छोटी चीजें आती रहती है रोज एंड मैं आपको दिखाता रहता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं छुपा के रखूंगा या फिर एकदम ही सब दिखाऊंगा. मेरे को होता है कि जो भी आता है मैं आपको साथ के साथ दिखा दूं. एंड जो आज आया, दो पैकेज आए, एक मैंने अभी खोला नहीं है. एक मैंने इतना एक्साइटेड मैंने खोल दिया है बिकॉज इट इज अ स्पीकर. मेरे को रूम के लिए स्पीकर चाहिए था. एंड अगर आप मेरे को जानते हो तो आपने गेस कर लिया होगा कि कौन सी कंपनी का स्पीकर है. एंड ऑल्सो आपने ये भी गेस कर लिया होगा कि उसका कलर क्या. सो यस, गेस करो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आप गेस करो. आपके पास 5 सेकेंड है. 5, 4, 3, 2, 1. Yes guys, you are right. इन्होंने बोला, सही बोला. It's a Marshall and वो भी white color में. ये available बहुत कम होता है, but Amazon पे मेरे को मिल गया. Look super cute. ये यहाँ पे मैं रखूँगा इसको and इसको Mac से connect करके पूरा room में vibe है. So एक speaker तो चाहिए होता है. मेरे पास पड़ा था, एक दो और speaker पड़े थे, but वो black में थे. जो black में speaker थे, मैंने कहा please गो आउट. एक मेरे पास था स्पीकर जो मैंने वीडियो में लिया था. मैंने जब मैं उन्नति वो वीडियो बना रहे थे जिसमें हु स्पेंस मोर में मैंने स्पीकर लिया था, वो मैंने सुशी एंड विजय को दे दिया. सो यहाँ के लिए आई हैव दिस स्पीकर नाउ. मार्शल वाइट में गोज विद द रूम वाइब. नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्सल. जो सेकेंड पार्सल है वो मैंने मंगाया है बिकॉज One of my subscribers recommended me that. And ये मैंने इसके बारे में सोचा, बट मेरे को उसकी एक ही प्रॉब्लम लग रही थी. जो मैं आपको पहले खोलता हूँ पैकेज, फिर आपको दिखाता हूँ उसमें है क्या, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या प्रॉब्लम लग रही थी. लेट मी अनपैक दिस फर्स्ट. मेरा रोज का मॉर्निंग रूटीन यही हो गया कि मैं चाकू लेता हूँ एंड अनपैकिंग करता था, अनबॉक्सिंग करता था. तो मेरे को लगता है मेरे को ये वाला चैनल खोल लेना चाहिए, लाइक जो सब अनबॉक्सिंग करते हैं ना, वैसा. चीरा फाड़ी करते हैं. मेरे को कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका रूम व्हाइट बहुत अच्छा लग रहा है, लुक सो प्रिटी, सो हेवनली. बट व्हाइट को मेंटेन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. हम भी ऐसा रूम करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट कर लो, बट आपको उसका केयर बहुत रखनी पड़ेगी. व्हाइट बेडशीट, वो भी आपके पास जब एक क्यूटू सा बेबी है जो बहुत खराब करता रहता चीजें, इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैंने ऐसी पता नहीं कितनी बेडशीट ली है, मैं चेंज करवाता रहता हूँ सब. बहुत मेरे को मल्टीपल लेना पड़ा बिकॉज मेरे को पता है वो चेंज होता रहेगा. बस वाइट वेरी डिफिकल्ट. ओह शिट्स, जो लगा था इस पे वो नहीं है. ओह शिट्स, मेरे को लगा था कि इसमें कारपेट होगा. जो मैंने व्हाइट मंगाया है अपने रूम के लिए, जो मेरे को एक सजेस्ट किया था सब्सक्राइबर ने, बट मैं वो इसलिए नहीं लेना चाहता था बिकॉज मेरे को था कि ब्राउनी शायद उस पर सूसू ना कर दे, बिकॉज वो पहले कर चुका है हमारे पुराने कारपेट्स पे. बट अब वो बड़ा हो गया तो मैंने कहा ट्राई कर लेते मंगा के. वो भी व्हाइट में आना था, बट इट्स नॉट द कारपेट, इसमें मार्शल ये सेम ऐसा. सो इसकी बैक स्टोरी फटाफट आई विल टेल यू कि मैंने और उन्होंने भी सेम ऑर्डर किया था सेम टाइम पे मार्शल. उसको भी अपने रूम के लिए चाहिए था, मेरे को भी बिल्कुल सेम. एंड उन्नति का एक दिन पहले आ गया, मतलब कल आ गया. एंड उन्नति का रूम अभी बिल्कुल मेस्ड अप है, तो वो कहती तू ये रख ले, जब तेरे पास आएगा तो मेरे को दे दियो. और मेरा थोड़ा लेट आना था, बट मेरा जल्दी आ गया. सो दिस वन आई विल गिव इट टू उन्नति नाउ. गर्ल्स, ये वाला तो मैंने खोल लिया. ओके, आई थॉट इट्स माय कारपेट. मैं बहुत उससे खोल रहा था, उस सेंस से मैंने आपके सामने खोला, मेरे को कोई आइडिया नहीं था. बट ओके, मार्शल आ चुका है दूसरा. मैं दोनों लगा लूं अपने रूम में. सॉरी उन्नति, इतना क्यूट है, मैं दोनों रख रहा हूँ. सो गाइस, जस्ट गॉट डन विद माय लंच एंड मेरे को पता नहीं ये खाना टेस्टी लगने लग जाता है एकदम से. मतलब लोग बोलते हैं कि डाइट वाला खाना मेरे को टेस्टी नहीं लगता या फिर हमसे नहीं खाया जाता, बट मैं जब ये शुरू करता हूँ खाना दोबारा, चिकन एंड प्लेन राइस एंड ऑल, मेरे को टेस्टी लगता है पता नहीं क्यों. तो इसीलिए मैं फिर, मतलब मेरा लाइफ इज, एक फेज आता है जब मैं बहुत ज़्यादा गंद खाता हूँ, देन बहुत ज्यादा हेल्दी, बहुत ज्यादा गंद, बहुत ज्यादा हेल्दी. मैं मिक्स नहीं करता कभी कि दोनों कर रहा हूँ. तो अभी मैं हेल्दी खा रहा हूँ, मैं पतला हो जाऊंगा, फिर पतला हो गया तो फिर पूरा खाऊंगा दूसरा खाना, फिर मोटा हो जाऊंगा. यही थोड़ा चलता रहता मेरा लाइफ का. ऑल्सो अभी मैं वही अनपैक कर रहा था, एक ऑर्डर आया बॉन्कर से. एड्रेस ना दीजिए.
ये ऑर्डर आया बॉन्कर्स से, बॉन्कर्स कॉर्नर, जिनके मैंने काफ़ी पीस पहले भी डाली हुई हैं अपने बहुत ज़्यादा शूट्स पे एंड रील्स पे, तो उनका कुछ स्टफ आया वही मैं अनपैक कर रहा था। ओके ओ वाओ, सो फुल स्लीव्स ब्लू टी, ये तो मैं आज ही डाल रहा शायद, बिकॉज हम आज स्टूडियो जा रहे हैं शायद। एंड सो दिस इज अ ट्रैविस टी, आई लव ट्रैविस के ऑल सॉन्ग, मतलब आई एम बिग फैन। सो दिस इज अ ट्रैविस टी एंड अ ब्लू फुल स्लीव्स, लव डेट, आई एम गोना वेयर इट। थैंक यू सो मच बॉन्कर्स कॉर्नर फॉर सेंडिंग दीज। हमारा कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ यही होती है, हमें सारा दिन पैकेज आते रहते हैं कुछ ना कुछ, एंड फिर हम उनको खोलते हैं डालते हैं, लाइक फन लाइफ। सो यस, इफ यू आर नॉट इनटू कंटेंट क्रिएशन यू शुड आई गेस, बिकॉज इट्स फन। सो गाइस, शाम का टाइम हो चुका है एंड आज इतना सनी डे था ना, कितने दिनों के बाद सनी सा प्रॉपर डे विदाउट क्लाउड्स आ जाया था, बट अभी थोड़े से क्लाउड्स हो गए हैं, बट पहले पूरा सनी डे था। तो ब्रोनू बेटा को बाहर बैठना बहुत पसंद है गार्डन एरिया में, तो ये बाहर अपने मजे कर रहा है एंड मैं साथ में बैठा, बिकॉज हम अकेला नहीं छोड़ते हैं ब्रोनी को यहाँ पे। तो अभी बेबी का प्लेइंग टाइम है गार्डन में। पुपी इधर कम है, कम इधर, कम इधर, कम इधर, पुपी का प्लेइंग टाइम है, पुपी का प्लेइंग टाइम है। तो बहुत मज़ा आता है ग्रास में, तो अभी हम यहाँ बैठ के इंजॉय करने वाले व्यू दोनों, बाप बेटा। I'm going. good boy. Thriller TV है किसी की आज? मैं Thriller TV की अपडेट देता हूँ पहले अपने ब्लॉग में। क्या कर रहे हो आप Thriller TV में, जल्दी बताओ। ब्यूटी एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ओके, तो जैसे कल आपने मेरा मेकअप किया था वैसे ही आप बताने वाले हो कि मेरे वाले लुक का आप बताने वाले हो कैसे किया था आपने? डिटेल्स में आपके आपके प्रोफाइल पे आ गया ना। जस्ट फॉर मी, मैं मुझे ज़्यादा आता नहीं है मेकअप करने, सिर्फ उन्नति मेकअप कैसा करती है? ठीक बोल दिया। यार सामने खड़ी हूँ मैं तेरे, विजय सामने खड़ी हूँ तेरे, पीछे हो रहा तो फिर भी ठीक है। ठीक है, सही है। थोड़ा गुस्सा हो गई है विजय से। तो बैटरी अभी आपको इंस्टा पे लाइव जाना है, फिर आपको जाना है लाइव थ्रिलर टीवी। स्काई रो को टैप करने दो मेरे को। यस अब बोलो, दिस इज फुल ऑन। वहां पे बैठ के करूं मैं बाहर लाइव? कर सकती हैं, बहुत शोर आएगा। शोर तो देखो बाहर शोर तो बहुत है, बिकॉज नीचे ही हमारे थोड़ा ट्रैफिक जाम रहता है हर टाइम, शोर बहुत ज्यादा। अंदर से आप वाइब ले लो, आप यहाँ बैठ के जा सकते हो लाइव, जस्ट 500 पर, सॉरी। ये आधा रूम मेरी सेट किया है साले। हाय रूबी, आई एम स्माइलिंग, हैप्पी डोगो, हैप्पी डोगो। ये फिल्टर लगा के शूट कर रहा है तू? नहीं, वैसे आ रही है। फिल्टर की जरूरत नहीं है मेरे रूम में आपको। ऐसा लग रहा है फिल्टर के साथ शूट कर रहा है। गंदा कर दूंगी तेरे व्हाइट मास्क को। ओए तेरा भी यही बड़ा है, तेरा लेके नहीं जाने दूंगा। मैंने बोल दिया अपने ऑडियंस को, मैं दो मार्शल लगाने वाला हूँ, एक वहाँ पे एक वहाँ पे, तो होम थिएटर होने वाला है, क्योंकि अभी तो तेरा बहुत टाइम लगेगा ना। ऐसा मत बोल यार, मुझे मस्त। ओए ब्रोनी नहीं बेटा, वाइट है बेटा, नो बेटा, नो बेटा। ओ माय गॉड, लुक एट द स्काई गाइस, वाओ। मुंबई में कभी कभी इतनी ज्यादा प्रिटी स्काई हो जाती है ना, मतलब मेरे को विश्वास नहीं होता कि इतना अनरियल कैसे हो सकता है। इस टाइम हमने देखा ओवर क्लिप पे, इतना सुंदर लग रहा है स्काई एकदम से, क्लाउड्स भी है एंड सनलाइट भी आ रही है। गोल्डन आर करके बैठ गई है वहां पे,
पूरे येलो लाइट में जा रही है, थोड़ी वो लैम्प भी जगा लेना, नहीं उसको साइड पे कर दे या फिर उसको उल्टा कर देना, नहीं दीवार पे मारना उसको ताकि वो उधर रिफ्लेक्ट हो जाए। अब बेटर भूत लगती। अच्छा और स्नैक टाइम। हर्ष ऐसा लग रहा है मेक्सिको का माफिया है, नार्कोस नार्कोस सीन लग रहा है। ये कौन सा नार्कोस है? पाब्लो, पाब्लो लग रहा है आप बिल्कुल। तभी तो बोल रहा हूँ मेरा थैला दे, तू नहीं समझ। दे दे आपको पैसे वाला थैला दे दे। पैसे वाला नहीं ब्रो। अच्छा ग्रीन something green थैला। एंड अभी हम स्टूडियो जाए, ये वाला थोड़ा पार्ट में नहीं दिखाना चाहता घर का, इस साइड वाला ये आप देख सकते हैं। दैट इज, ये देखना चाहिए आपको। आशा तू बता दे रहा है ख्याल है इसका, हम्बल का कैसा लगा? साइज परफेक्ट। थोड़ा साइड पे खड़े हो गए। हम बताना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि हम्बल रहना चाहिए आपको, और कुछ थोड़ा बड़ा करके सामने बैठ इसके अभी डाक जो कर रहा था बहुत। नॉर्मल भी मारता हूँ, नॉर्मल भी जो मिलेनियम जेंजी वालों को हमने क्यों रखा हुआ ग्रुप में? क्योंकि मतलब रेलेवेंट रहो आप दुनिया से। अच्छा अच्छा, आप थोड़े जैज़ ज़्यादा को हिप हॉप में रखना पड़ेगा। मैं क्लासिकल जा रहा हूँ। नहीं नहीं, जैज़ पे जा रहे हो। जैज़ पे जा रहे हो। मतलब आपको लिफ्ट की म्यूजिक ज्यादा पसंद आता है? नहीं, हमें जैज़ ही बढ़िया है। जैज़ बढ़िया गाइस, स्पॉट द डिफरेंस। बस दाढ़ी का डिफरेंस है और कॉलर। हाँ, बाल भी आज मैंने टीके के जैसे रखे और कॉलर थोड़ा सा, और बाकी मतलब ब्रांडिंग भी बाकी। मेरे 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 पियर्सिंग अभी कर देते हैं। नहीं हो सकती मेरी पियर्सिंग क्यों? मेरा कहीं मैं बाय लोग ना हां सिस्टम ही नहीं है। हां वो ऐसा यूनिटी डिफॉल्ट है। नहीं और करवा ले नीति करवा सकता है। रॉनी से मिला तू? आगे कैसा मिला वो? पहचाने? ओए पहचाना उसने तेरे को? रॉनी ने खा लिया। खा लिया तेरे को? फूल ले भाई कुछ तो। चेयर नीचे होती नहीं है, चेयर नीचे हो जाती है, बट आई डोंट थिंक हैंडल होगी। मतलब ये हैंडल पे कैसे होगा?
मतलब मिनिमम क्यों देना लेके देखो मतलब अंदर जगह वैसे हो जाएगी टेंशन मत ले मैं बेड से ज्यादा इस पे बैठता हूं आईडिया का प्यार है आइया हमें जो ड्राइंग रूम का सेटअप करना होगा आपको भी कुछ करना रूम का अभी चप्पल आ चुकी है रोडी अबे वाइट मैं नहीं कर सकता ज्यादा यहाँ पे तो क्या लिखे हैं कंबल हटा दे पहले तो थूके देखो उसकी थूके देखो बेटे बेटे रेंट क्या है यार बीटी कर दिया आपने मैंने आज ही चेंज किया इसको इसको ला देना कंबल को ये तो पड़ा रहेगा यहाँ पे उसको आदत हो गई है मानो कुकीज खा मेरी मानव ये कब तक पकड़ना सो गाइस जस्ट गॉट डन विद माय डिनर एंड नाउ इट्स टाइम टू एडिट द व्लॉग आई होप यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल जो भी लोग मेरे को न्यू देख रहे हैं पहली बार इस चैनल पे प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो हैव फन बाय बाय